अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल नुज़हत खातून। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ घोड़ी को कैसे क्लीन करें और वॉश करें। बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। अगर आप बाज़ार से घोड़ी क्लीन किया हुआ लेती हैं तो वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। ये पार्ट वन है। पार्ट टू में मैं आपको बताऊँगी कि घोड़ी को कैसे पकाएं टेस्टी मसाले के साथ। मैंने यहाँ पे 6 घोड़ी ली है, आप देखते जाइए मैं कैसे इसे ईजी वे में क्लीन करती हूँ और वॉश करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई हाई फ्लेम पर चढ़ा दी है और उसमें इतना पानी लिया है कि घोड़ी अच्छे से उसमें डूब सके। मैं पानी को अच्छे से बॉईल कर लूंगी। तो पानी अच्छे से बॉईल हो गया और अब मैं इसमें घोड़ी यानी बकरे का पाया ऐड कर रही हूँ और इसे नाइफ की हेल्प से चारों तरफ घुमा रही हूँ। घोड़ी को भी अच्छे से बॉईल कर लेना है। ऐसे घोड़ी 30 सेकंड में अच्छे से बॉईल हो जाती है। मैक्सिमम टाइम इसका 1 मिनट है। 1 मिनट से ज्यादा घोड़ी को बॉईल नहीं कीजिएगा, वरना ज्यादा बॉइलिंग पे भी घोड़ी का जो रोआ है क्लीन नहीं हो पाता है, वो नहीं उतर पाता है। तो हमें ना ज्यादा बॉईल करना है ना कम बॉईल करना है। इस तरह से आप खुरूज कर पता कर सकते हैं कि रुआ उखड़ रहा है या नहीं। अगर रुआ अच्छे से उखड़ रहा है तो आपका घोड़ी अच्छे से बॉईल हो गया है। जिस पॉलिथीन में घोड़ी आई थी उसी पॉलिथीन से पकड़कर मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अदरवाइज आप किचन क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट आप नाइफ की हेल्प से इस तरह से रुआ को निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली सारा रुआ निकलता जा रहा है। ये सब अच्छे से बॉयल करने का नतीजा है। बॉयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो बॉयलिंग के टाइम ध्यान रखिएगा कि आपका घोड़ी ज्यादा बॉयल ना हो जाए और रुआ को इस तरह से निकाल लीजिए। आप चाहे तो छोटी नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस शार्प होनी चाहिए। और इस तरह से रुआ को आप अच्छे से निकालते जाइए। बूट यानी कि खुर के हिस्से को निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए आप इसे बॉइल्ड वाटर में डाल दीजिए। बॉइल्ड वाटर में कम से कम 30 सेकंड तक इसे कर रख दीजिए और इसे घुमाते जाइए ताकि हर तरफ से ये बॉइल्ड अच्छे से हो सके। 30 सेकंड इनफ है। बूट यानी कि खुर आसानी से नहीं निकल पाता है तो हमें फिर से बॉइल करना ही पड़ता है, तो इसीलिए मैंने इसे बॉइल करने के लिए रख दिया है। तो 30 सेकंड पूरे हो गए हैं, ये अच्छे से बॉयल हो गया है। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है और अब देखिए आप नाइफ की हेल्प से ये कितनी आसानी से निकल जा रहा है। बहुत ही आसानी से ये निकल गया, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। देन बाकी जितना भी बचा हुआ रुआ है वो मैं नाइफ की हेल्प से सबको निकाल दूंगी, तो आप देखते जाइए। इसी तरह मैंने सभी को क्लीन कर लिया है। अब मैं इसको वॉश करूंगी, तो वॉश मैं नॉर्मल वाटर से कर रही हूँ, नॉर्मल पानी है। सभी घोड़ी को मैं इसी तरह वॉश कर ले रही हूँ। देन नाइफ को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे और प्लेट को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी घोड़ी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और क्लीन कर दिया है। मैं सभी घोड़ी को अच्छे से किचन क्लॉथ से पोंछ दूंगी ताकि इसका पानी सूख जाए। तो आप देख सकते हैं घोड़ी में अभी भी रुआ बाकी है, तो इस रुआ को दूर करने के लिए, हटाने के लिए मैं फ्लेम हाई कर इसे जला रही हूँ। आग में मैं इसे झुलसा दूंगी। सभी घोड़ी को इसी तरह मैं झुलसा दूंगी। ये अच्छे से जल जाएगा तो अच्छे से झड़ भी जाएगा, निकालने टाइम इजी होगा, अच्छे से क्लीन हो सकेगा। तो इसी तरह मैं सभी घोड़ी को आग में झुलसा दूंगी। देन जितना भी पार्ट जल गया है आग में उसे नाइफ की हेल्प से मैं गिरा दूंगी इस तरह से। तो देखिए ये कितना क्लीन दिख रहा है। आप पहले घोड़ी और अभी घोड़ी से कंपैरिजन करिएगा तो ये उसके मुकाबले कई गुना क्लीन दिख रहा है। अभी क्लीन करने टाइम अगर आपको कुछ रुआ दिख रहा है तो आप इसे फिर से जला सकते हैं फ्लेम हाई करके, एंड उसके बाद आप नाइफ की हेल्प से इसे छुड़ा लीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से ये निकलता जा रहा है और कितना क्लीन होता जा रहा है। इसी तरह मैं बाकी घोड़ी को भी क्लीन कर लूंगी। वेट वेट, अगर आपको लग रहा है कि पूरी तरह से क्लीन हो गया है तो रुकिए जरा, अभी लास्ट एंड मेन स्टेप बाकी है, ब्लेड से साफ करना, जो कि बहुत ही मेन स्टेप है। जितना भी बचा रह गया है रुआ या फिर जलने के बाद भी, तो ब्लेड से वो सब कुछ साफ हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ब्लेड से साफ करते जाइए। आप ध्यान से देखती जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जस्ट सी द वीडियो।
ऊपर का हिस्सा साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ना ही ये बॉयल करने से और ना ही ये जलाने से साफ हो पाता है। ओनली ये ब्लेड ही से साफ हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सटा हुआ हिस्सा है, क्लोज हिस्सा है, तो इसे हम ब्लेड की हेल्प से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हमारे स्टेप्स आपको कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब हमें हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। ऊपर का हिस्सा भी मैं इसी तरह ब्लेड से निकाल दूंगी, और कोर का जो हिस्सा मोटा दिख रहा है वो आप ब्लेड से निकाल दीजिए। इसी स्टेप्स के साथ हम इसे क्लीन कर रहे हैं, देखिए कितना क्लीन हो गया है। तो आपने देखा मैंने इतनी इजी स्टेप्स के साथ एक घोड़ी को बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया, और मैंने बाकी घोड़ी को भी इसी तरह क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। कितना अच्छा अब दिख रहा है, साफ सुथरा। और अब मैं सभी घोड़ी को एक जगह साइड में रख दे रही हूँ, एंड ब्लेड को भी मैं पेपर से क्लीन कर ले रही हूँ और उसे भी एक साइड में रख दे रही हूँ। जितनी भी गंदगी इसकी निकली है, मैंने एक प्लेट में रखी थी, उसे भी अच्छे से झाड़ कर मैं पेपर में डाल दे रही हूँ। सभी गंदगी, ये देखिए कितनी गंदगी निकली है। पेपर में हम इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे और इसे डस्टबिन में फेंक देंगे। तो ये देख सकते हैं आप घोड़ी कितनी साफ हो गई। अगर आप मार्केट से खरीदते तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता, कम दाम में बहुत ही अच्छे से साफ हो गई, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। इसकी क्लीननेस आप देख सकते हैं। अब मैं घोड़ी में पानी डाल रही हूँ, बॉइल्ड वाटर है, पूरा खोला हुआ पानी है। पानी का अमाउंट इतना है कि घोड़ी इसमें अच्छे से डूब सके। उसके बाद मैं इसे अच्छे से धो लूंगी। मैंने इसमें पानी इसलिए डाला ताकि जो भी रुआ इसमें सटा हुआ होगा वो आसानी से खुद ब खुद ही निकल जाएगा। तो इसे मैं अच्छे से घुमा घुमा के इस तरह से साफ कर दूंगी। बस इस तरह से साफ करना है सभी हिस्सों को, घोड़ी के हर पार्ट को, ताकि जितना भी रुआ है वो खुद ब खुद निकल जाए। और एक बार पानी से एक बार धो लीजिए, उसके बाद इसे एक प्लेट में डाल दीजिए। तो इसी तरह मैंने सभी घोड़ी को खोले हुए बॉइल्ड पानी में अच्छी तरह धो दिया है। ये देखिए पानी में अभी भी गंदगी थी, अब मैं इसे फेंक दूंगी। तो घोड़ी हमारी रेडी है, अच्छे से साफ हो गई। तो ये था पार्ट वन, मैं पार्ट टू में आपको बताऊंगी कि घोड़ी को कैसे पकाएं बहुत ही टेस्टी मसाले के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।